अब क्लासलेस एड्रेसिंग की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास क्या था कि जो हमारे पास क्लास रूल थी उसके अंदर हमारे पास आईपी की एड्रेसेस की वेस्टेज बहुत ज्यादा थी। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट थोड़ी है लेकिन हम लोग उसको, हमें एक कोई ना कोई प्रॉपर फुल क्लास ही असाइन करनी पड़ती थी और जिसकी वजह से वेस्टेज बहुत ज्यादा था आईपी का। तो इसके हमारे सोल्यूशन जो था वो हमारे पास क्लासलेस एड्रेसिंग थी। इसके अंदर क्या होता है, हम एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क के अंदर डिवाइड कर देते हैं और इसके अंदर हम लोग किसी अपनी क्लासेस को अपनी अडहेड नहीं करते, हमें किसी भी चीज को नहीं फॉलो करना पड़ता कि हम लोग एक पूरा का पूरा हम लोग आईपी दें। और इसके अंदर हमारे पास वेस्टेज नहीं है, कोई क्लासेस को फॉलो नहीं किया जा रहा, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की नीड के अकॉर्डिंग उनको असाइन कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे यहाँ क्या है, हमारे जो आईपी एड्रेसेस किया है हमारे बहुत एफिशिएंटली हम लोग उनको यूज किया जा रहा है, ठीक है। अब ये जिस तरह की डिमांड होगी, जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी किसी ऑर्गेनाइजेशन की या यूजर्स की, उसके मुताबिक उनको आईपी दे दिए जाएंगे। तो ये जो हम लोग असाइन करते हैं इसमें हम बेसिकली ब्लॉक असाइन करते हैं, आईपी के ब्लॉक दिए जाते हैं उनको, सीआईडीआर ब्लॉक कहते हैं, मीन्स क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। और ये इसके अंदर जितने आईपी हमारे रिक्वायरमेंट है उनके अकॉर्डिंग उसको आईपी असाइन किए जाते हैं इन ब्लॉक्स के अंदर। तो हमारे पास जो न्यूटेशन है आईपी एड्रेसेस की वो या क्लासेस के अंदर, वो यहाँ पे हमारे पास जो 3 या 4 ऑक्टेट्स हैं वो डॉट साथ रिप्रेजेंट होगी। इसके बाद हमारे पास साइड एंड पे बैक स्लैश एन आ जाता है, बैक स्लैश एन रिप्रेजेंट कर रहा होता है इसके अंदर नेटवर्क बिट्स को, उसके सबनेट मास्क बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जिनको हम लोग चेंज नहीं करते। पर इसके हमारे पास आ जाते हैं 3 रूल्स हैं हमारे पास ये सब नेटिंग के लिए, क्लासलेस की आईपी एड्रेसिंग के लिए। इसके अंदर क्या है कि अगर हमने किसी क्लासलेस एड्रेसिंग का हमने किसी को ब्लॉक एलोकेट करना है तो उसके लिए हमें 3 ये रूल्स हैं, इनको फॉलो करना पड़ेगा। पहला रूल हमारे पास क्या है कि सीआईडीआर ब्लॉक्स के अंदर जो आईपी एड्रेसेस हमने असाइन करने हैं, जो हमने ब्लॉक देना है किसी ऑर्गेनाइजेशन या यूजर्स को देना है, उसके अंदर जो हमने ब्लॉक देना है वो जितने भी इसके अंदर आईपी एड्रेसेस हैं वो कॉन्टिजियस होने चाहिए, कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। ये नहीं कि अगर सपोज हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका हमने दिया 200.10.20.32, उसके बाद हम देंगे 33, 34 एंड सो ऑन चलता है। ये नहीं कि अगर हमने 33 दिया उसके बाद हम 36 असाइन करें, नहीं, ये कॉन्टिन्यूस होने चाहिए, ये एक इसका रूल है। सेकेंड रूल हमारे पास आ जाता है कि जो हम लोग ब्लॉक का साइज होगा, जो हम लोग ब्लॉक असाइन करेंगे वो मस्ट बी 2 की पावर होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन हमसे 15 एड्रेसेस की रिक्वायरमेंट कर रही है, डिमांड कर रही है, तो हम उसको 15 नहीं दे सकते, हम उसको 2 की पावर में ही देंगे। लाइक 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, तो हम उसको 16 असाइन किए जाएंगे क्योंकि 2 की पावर, क्योंकि 15 वो 2 की पावर नहीं है। थर्ड रूल हमारे पास जो आ जाता है वो ये है कि द ब्लॉक फर्स्ट आईपी एड्रेस मस्ट बी डिविजिबल बाय द ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज हमारे पास के ये कह रहे हैं कि ब्लॉक साइज हमने सपोज अभी मैं जैसे कि मैंने बताया कि अगर ब्लॉक साइज हम 16 देने लगे हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट आईपी एड्रेस है वो डिविजिबल बाय होना चाहिए ब्लॉक साइज। अगर हमने अगर एक किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया है आईपी एड्रेस 200.10.20.32, ठीक है, तो ये क्या है, ये डिविजिबल बाय, अगर इसका साइज क्या था, हमने बैक स्लैश हमने इसका 24 रखा और बाकी 4 बिट्स हमारे पास क्या बच गई थी, वो हमारे पास 4 की थी। अब 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, ये हमारे पास आ गया ब्लॉक साइज के, हम लोग 16 ब्लॉक साइज देने वाले हैं, 16 हम लोग आईपीज असाइन करने वाले हैं, तो ब्लॉक साइज 16 था। अब 32 डिविजिबल बाय 16 आ गया, मीन्स ये डिविजिबल है। हम ऐसा नहीं थे कर सकते कि 200.10.20.33 पहला आईपी एड्रेस असाइन करते, नहीं, हम वो अब आईपी एड्रेस असाइन करेंगे जो हमारे ब्लॉक साइज पे उसका फर्स्ट आईपी एड्रेस डिविजिबल हो। तो ये हमारे पास 3 बेसिक रूल्स थे। ये आगे आ गए थे हमारे पास डिफॉल्ट मास्क है हमारे पास तीनों क्लासेस के, ये हमारे पास सीआईडीआर मतलब हमारे क्लासेस के अंदर जो हम लोग इसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं बैक स्लैश 8 4 फिर 16 24 के साथ करते हैं, हमारे जो नेटवर्क बिट्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन, और डॉटेड डेसिमल में हम 255 डॉट के साथ हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि बाइनरी के अंदर हम लोग 1 को यूज करके इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट चीज आ जाती है कि हम लोग अपने जो हमारे पास दिए गए होते हैं बाइंड्रीज हैं उनको हम लोग किस तरह से उनकी कन्वर्जन करते हैं डेसिमल के अंदर। तो डेसिमल के अंदर कन्वर्जन हम लोग किस तरह से करेंगे, हमारे पास सपोज अगर ये हमारे पास बिट्स हैं जितनी भी हैं, ये हमारे पास आ गई 4 ऑक्टेट्स हैं, ठीक है। अब हमने इनकी डेसिमल में कन्वर्जन किस तरह करनी है, तो डेसिमल में कन्वर्जन इसकी इस तरह से होगी कि हम लोग हमारे पास जो बिट्स होती हैं, ठीक है, उनकी क्या उनकी स्टार्टिंग हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि 128 हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं, 128, 64, 32 और उसके बाद 16, 8, 4, 2
और 1 आ जाता है, ये हमारे पास 8 हमारे पास जो रेंजेस आ जाती हैं। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, जो हमारे पास जो ये वैल्यूज होंगी इनको हम लोग 1 कर देंगे जहाँ पे ये ऑन है। मीन्स अगर 128 हमारे पास यहाँ पे 64 32 16 8 4 2 1 आ गया। अब यहाँ पे हम इनको एज इट इज प्लेस कर देंगे। मीन्स अब ये यहाँ पे हमारे पास 128 था, अगर 128 से 1 आ रहा है तो ये इसको बिट को ऑन कर देंगे। और लास्ट बिट जो हमारे पास लास्ट बिट क्या होती है, 1 होती है। अब तो 1 के नीचे उसके हम 1 पुट कर देंगे, तो ये इन दोनों को फिर सम अप कर लेंगे। जो हमारे पास 1 जो होंगे इनको हम सम अप कर लेंगे, तो ये 128 प्लस 1 इज इक्वल टू ये हमारे पास 129 आ जाएगा। सेम और इसी तरह हम लोग बाकियों को भी इसी तरह से अपनी 128 वगैरह के नीचे प्लेस करके, तो हम जो जो हमारे पास बिट्स हमारे पास जो होंगी 1 होंगी उनको हम लोग सम अप कर लेंगे इनकी वैल्यूज को, तो हमारे पास ये डेसिमल में कन्वर्जन आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कि हम लोग डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन कैसे करेंगे। तो इसके पास बेसिक इसके बेसिकली हमारे पास दो रूल्स होते हैं। एक तो ये कि हम लोग इस वैल्यू जो हमारे पास वैल्यू है उसका हम 2 के साथ एलसीएम लें, लाइक ये 111 है, ठीक है। अब इसको हम लोग अगर 2 के साथ एलसीएम लेना चाहें तो हम इसको क्या करेंगे कि हम इसका 2 के साथ एलसीएम ले लेंगे, तो जो हमारे पास साइड पे बिट्स बचती जाएंगी उनको हम लोग बाद में जो जो वैल्यूज बचेंगी, ठीक है, उनको बाद में हम लोग इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये हमारी अपनी जो बाइनरी है वो हमारे पास सभी की आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि फाइंडिंग आईपी एड्रेसेस इन द ब्लॉक, के हम लोग आईपी एड्रेसेस अपना फर्स्ट आईपी एड्रेस किसको हमारे पास जो ब्लॉक है हम अपना फर्स्ट आईपी एड्रेस कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा फर्स्ट आईपी एड्रेस है। अगर हमारे पास लाइक अब हमारे पास ये है, द फर्स्ट आईपी एड्रेस इन द ब्लॉक कैन बी फाउंड बाय सेटिंग द राइट मोस्ट 32 माइनस एन बिट्स टू 0। मींस कि अगर हमारे पास 32 बिट्स का एक आईपी एड्रेस है और उसमें से हम माइनस एन करेंगे, एन क्या है हमारे पास ये बैक स्लैश के बाद जो वैल्यू आती है ये हमारे पास एन होता है, इसको क्या करेंगे हम लोग इसको 32 में से 28 माइनस किया मींस 4 आ गया। तो इसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको राइट मोस्ट उतनी ही बिट्स को 0 कर दो। अब हमारे पास क्या आया 32 माइनस 28, इस अगर इस आईपी एड्रेस की बात करें तो हमारे पास आ गया 4। और अब इसकी हम लोगों ने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन करके तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब क्या था कि 4 आ गया, तो अब उसने क्या हमारे पास रूल क्या है कि राइट मोस्ट उतनी बिट्स को आप 0 कर दो, तो अब हमारे पास आया था 4। तो अब राइट मोस्ट बिट्स ये जो हमारे पास ये 4 राइट मोस्ट बिट्स हैं इनको हम लोग 0 कर देंगे, 0000 करेंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट आईपी एड्रेस आ जाएगा। तो ये अगर इसकी हम डेसिमल में कन्वर्जन करके तो हमारे पास ये हमारा एक्चुअल आईपी फर्स्ट आईपी एड्रेस बनता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं लास्ट आईपी एड्रेस हम लोग किस तरह फाइंड करते हैं। लास्ट आईपी हम लोग फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है कि जितने भी 32 माइनस n बिट्स के बाद जो भी बिट्स आएंगी उतनी ही राइट मोस्ट बिट्स को 1 कर देंगे हम लोग, जैसा कि हमने फर्स्ट आईपी फाइंड करने के लिए 0 किया, इस तरह हम लोग लास्ट आईपी फाइंड करके उनको 1 कर देंगे। अब लाइक जिस तरह हमने फर्स्ट के लिए ये लास्ट 4 बिट्स को हमने 0 किया, अभी इन हम लोग लास्ट के लिए इन लास्ट 4 बिट्स को 1 कर देंगे। तो अगर इनके हम लोग डेसिमल कन्वर्जन करें तो हमारे पास ये आती है 205.16.37.47, ये हमारे पास वैल्यू आती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम नंबर ऑफ एड्रेसेस हमारे पास कि हमारे एड्रेस स्पेस क्या है उसको हम किसी हमारे पास ब्लॉक के अंदर तो वो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है वो 2 पावर 32 माइनस n, इसलिए अगर हम लोग अप्लाई करें तो इससे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस आ जाते हैं। अब ये हमारे पास क्या था, n हमारे पास क्या था 28, अब 2 पावर 32 माइनस 28 वो हमारे पास आता है 4, 2 की पावर 4 = 16, तो मीन्स हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस यहाँ पे 16 थे। एक और तरीका है हमारा फाइंड करने का अपने आईपी एड्रेसेस को के हमारे फर्स्ट आईपी एड्रेसेस का एक और हमारे पास तरीका है। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम डिफॉल्ट मास्क यूज करते हैं, ठीक है, और उसके जरिए हम लोग अपना फर्स्ट लास्ट आईपी एड्रेस और हमारा जो टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस है उनको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब ये हमारे पास वही हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, वही हमारे पास आईपी एड्रेस है और उसको हम लोग इसका क्या लिखा हमने ये इसकी डिफॉल्ट मास्क इसका निकाल लिया, ठीक है। डिफॉल्ट मास्क हमारे पास हमने बात की थी वो होते हैं जहाँ पे हमारे नेटवर्क बिट्स ऑन होती हैं, जो हमारी उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इसके थ्रू हम लोग अपना नेटवर्क एड्रेसेस वगैरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आईपी किस नेटवर्क से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो अभी बैक स्लैश 28 आ गया, ठीक है, अभी हमारे 28 बिट्स हैं जो 1 हो जाएंगे, जो रिमेनिंग हमारे पास 4 बिट्स हैं वो 0 हैं, तो ये हमारे पास 28 हमारे पास 1 आ गए और हमारे पास 4 0 आ गई। अब इसके थ्रू हमारा फर्स्ट आईपी एड्रेस फाइंड करने का तरीका क्या है, फर्स्ट आईपी एड्रेस कैन बी फाउंड बाय एंडिंग द गिवन एड्रेस विद द मास्क, के हमारे पास जो आईपी एड्रेस गिवन है
और हमारा जो मास है उसके साथ हम लोग एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उनका आपस में, तो हमारे पास फर्स्ट आईपी एड्रेस आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं, एंड में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, एंड ऑपरेशन हमारे क्या करते हैं, अगर हमारे पास दोनों बिट्स अगर वन है तो हमारे पास नीचे वन आएगा, अदरवाइज दोनों जीरो या एक भी जीरो है तो भी हमारा आंसर जीरो ही आएगा। अब ये जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये 100 वन जीरो जीरो वन जीरो 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 वन फिर जीरो वन वन है, तो मीन अब ये वन आएगा। तो इस तरह सोन ही हम सारे सारी बिट्स पे अपना ये ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे, और इसके बाद जो हमारे पास ये बाइनरी आएगी इसको हम डेसिमल में कन्वर्जन करेंगे तो हमारे पास हमारा फर्स्ट आईपी एड्रेस आ जाएगा। और लास्ट आईपी एड्रेस हम लोग किस तरह से फाउंड करते हैं कि इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, हमारा जो अपना मास्क है ठीक है उसका हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे, मीन्स जो हमारी जीरो वन वाली बिट्स थी उनको हम सबको जीरो कर देंगे, और जो जीरो वाली थी उनको हम लोग वन कर देंगे। उसके बाद ये हमने सारा जीरो कर दी और वन वाली जीरो और जीरो वाली वन कर दी। अब क्या करेंगे, जो हमारा एड्रेस है उसके साथ हम लोग इसका और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अगर जब और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमें हमारा लास्ट आईपी एड्रेस मिल जाएगा। और ऑपरेशन के अंदर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि जो हमारी दोनों बिट्स में से कोई भी अगर एक बिट भी वन है तो हम लोग उसको आंसर वन में दे देते हैं, अगर दोनों जीरो है सिर्फ उस सिनेरियो में हमारे पास आंसर जीरो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास वन 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 आ गया, वन 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 अगेन, और यहाँ पे भी वन 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 जीरो वन आ गया, और जीरो जीरो कैसे जीरो आ गया, फिर वन जीरो वन जीरो 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 एंड जीरो 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 एंड सो ऑन, ये सारा हम ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे। और उसके बाद ये जो हमारे पास फाइनल आंसर आया है इसके अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्जन करेंगे तो इससे हमें हमारा लास्ट आईपी एड्रेस मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कि नंबर ऑफ एड्रेसेस कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो इसके अंदर ये तरीका है, इस रूल ये वाला जो हमारे पास तरीका था, इसके अंदर हमारे पास क्या रूल है कि जो हमारे पास मास्क था उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, और जो उसकी बिट्स ऑन है ठीक है मीन्स वन है उनको हम सम अप करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे होता है 128 64 32 16 8 4 2 1। अब हम यहाँ पे 1 2 4 और 8 को सम अप करेंगे, ये वन है तो इन सबको सम अप करेंगे, और उसके बाद जो भी वैल्यू हो उसके हमारे पास आंसर है उसमें हम वन की एडिशन करेंगे, वन का इंक्रीमेंट करेंगे, तो हमारे पास हमारे टोटल नंबर ऑफ एड्रेस आएंगे। अब इनको हमने सम अप किया तो हमारे पास 15 आया, और हमने प्लस वन किया तो ये 16 हो गया, तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस आ गए।